नमस्कार दर्शकों, मैं दामिनी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का जिक्र किया था। उम्मीद जगाई जा रही थी कि अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मंजूरी मिल जाती है तो हो सकता है कि इनकी कीमतों में गिरावट आए। जून में केरल हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल से पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कहा था। इसी के चलते जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर था, लेकिन यहाँ से अच्छी खबर नहीं आई है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई फैसला नहीं हो सका और इसकी वजह साफ है, सभी राज्यों की सहमति नहीं हो सकी। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र और राज्यों के खजाने पर बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। इसे ऐसे समझिए, अगर जीएसटी 28% रखा जाए और पेट्रोल पर सेस 30 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 20 रुपये प्रति लीटर लगाया जाए तो 2021-22 तक केंद्र और राज्यों को 1,00,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा और राज्य और केंद्र सरकार इस घाटे को झेलने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते लगभग पिछले 2 सालों से राज्यों का खजाना खाली हो चुका है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और पेट्रोल और डीजल एक बहुत बड़ा माध्यम है इस खजाने को भरने का, तो सरकार इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहेगी। इसके अलावा और क्या फैसला लिया गया इस मीटिंग में, मैं आपको बता दूं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने ये फैसला लिया कि बच्चों की 2 जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा और साथ ही कोरोना की दवाई पर भी जीएसटी से छूट 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। एक और अच्छी खबर मैं आपको बता देती हूँ, कैंसर की दवाई पर जीएसटी 12% से घटाकर 15% कर दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।